की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ्स। आज आप लोगों का पहला चैप्टर नॉइंग आवर नंबर्स। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसे जानना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर का नाम ही है कि हमारे जो भी नंबर्स हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो सबसे पहले हिंदू अरेबिक नंबर आता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ये सिस्टम क्या है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम वाज डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में इसका विकास हुआ था। ये जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है ये कहाँ डेवलप हुआ? इंडिया में, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। इंडिया में इस नंबर, इस सिस्टम का विकास हुआ लिखने के लिए। एंड नंबर विथ 10 सिंबल्स, इसके 10 सिंबल्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये तो आप भली बात समझ गए कि हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम इसका विकास इंडिया में लिखने के लिए हुआ था, और इसे हम 10 अंकों के नाम से जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 10 हो गया। These are known as digit and, इसे हम digit के नाम से जानते हैं, and this number system is called the Hindu Arabic number system। अंकों को हम digit number नाम से जानते हैं और इस system को हम कहते हैं Hindu Arabic number system। अब इसमें एक दो और भी कड़ियां आ जाती हैं, जैसे फर्स्ट रहता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू में क्या होता है कि जो अंक है वही अंक फेस वैल्यू कहलाता है। वो अपना पोजीशन नहीं दिखाता, सिर्फ अपना फेस दिखाता है, जैसे मैं यहाँ खड़ा है अपना चेहरा दिखाता है। सेकेंड आता है द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ कि उसका स्थानीय मान। फेस वैल्यू में क्या हुआ, सिर्फ फेस का वैल्यू दिखाना था, इसमें स्थानीय मान नहीं दिखाना था। लेकिन सेकेंड में द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। वह अपने पोजीशन पर डिपेंड होता है, हम कितने नंबर पर हैं। डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सिर्फ अपने फेस पर डिपेंड है, फेस दिखाता है, ये मेरा चेहरा है, मैं ये अंक हूं। लेकिन प्लेस वैल्यू जो है अपना पोजीशन दिखाता है कि मैं इस पोजीशन पर हूं, मेरा मान इतना है, अपने पोजीशन पर डिपेंड करता है। भली बात आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट मैं दोहरा दे रहा हूं कि अरेबिक नंबर सिस्टम, ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम का डेवलप इंडिया में हुआ था, लिखने के लिए हुआ था 10 अंकों में, जिससे हम 0 से लेकर 9 तक काउंट करते हैं। और इस नंबर को हम डिजिट कहते हैं, और इस सिस्टम को हम कहते हैं द हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। इसमें और दो पॉइंट्स आ जाते हैं, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू कहता है कि अपने फेस को दिखाता है कि मैं ए अंक हूं, 4, 3, 2। लेकिन प्लेस वैल्यू ये अपने पोजीशन को दिखाता है, जैसे मैं आ गया कि 125, तो अगर हमको 2 का फेस वैल्यू निकालना है तो 2 फेस वैल्यू हुआ, लेकिन प्लेस वैल्यू जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वो 20 होगा, क्योंकि 1, 2, 5 है, तो हम 2 लिख करके 5 की जगह पर 0 रखेंगे, यूनिट टेंस हंड्रेड्स का काउंटिंग करके, तो हमारा वहां पर 2 का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20, लेकिन फेस वैल्यू कितना होता है, 2।
अब तो भली भांति आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आऊंगा, इसके लिए धन्यवाद। हे hey!